आज आपका दिल खुश हो जाएगा इस दिलकुशा कोठी को देखकर और इसकी कहानी को सुनकर जो इतिहास के पन्नों में कैद है। तो चलिए इसका दीदार करते हैं और इसकी खूबसूरती को देखते हैं। नो हेलमेट नो एंट्री। तो ये हम कैंट एरिया में अभी प्रवेश कर रहे हैं और हम जा रहे हैं दिलकुशा गार्डन की ओर। अभी रास्ते में एक ट्रेजेडी हुई, मतलब अभी स्कूटी से एक बंदा जा रहा था और उसका स्कूटी चलते चलते चाबी गिर गई। हो सकते हैं, मतलब क्या अजूबा है। इस कोठी का जो निर्माण है वो नवाब शाह अली ने किया था और 1797 में इसकी शुरुआत की गई थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ इस कोठी को बनाने के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी लड़ाई की गई थी वहाँ पे इस कोठी का इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ पे जो सैनिक बल हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता था और अंग्रेज़ इसके खिलाफ थे, इस कोठी को बनाना नहीं चाहते थे। उन्होंने इसका बगावत भी किया और इसका जो निर्माण किया गया है आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है इसका यूरोपियन शैली जैसा किया गया है और देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसको चूने से तैयार किया गया है, चूने की परत जो है ईंटों के ऊपर भी चढ़ाई गई है और आप देख सकते हैं बिल्डिंग हालाँकि डैमेज हो चुकी है तब भी कितनी खूबसूरत लगती है देखने में। फ्रेंड की जो कैंटीन है उसकी आज ओपनिंग है, उद्घाटन हो रहा है, तो उसी की पूजा में आया हूँ, इसको अटेंड करना ज़रूरी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस विचार के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुद खुश रहिए, क्योंकि खुद खुश रहेंगे तभी तो सबको खुश रखेंगे। तो फिर मिलते हैं।